YouTube एडवांस फीचर्स को इनेबल नहीं किए हो या फिर डिसेबल या पेंडिंग दिखा रहा है या फिर दो बार ट्राई किए हो और दोनों बार वेरिफिकेशन अनसक्सेसफुल होने के बाद अब एक महीना बाद ट्राई करने के लिए बोल रहा है। ये सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ विद प्रैक्टिकल और ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है इसको इनेबल करते हुए। YouTube की एडवांस फीचर्स को इनेबल करने का फायदा क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा गारंटी है। तुम्हारा एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करूंगा, सो लेट्स बिगिन। मैं फटाफट से YouTube की वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। मेक श्योर कि यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को टिक करके रखना है, देन राइट हैंड साइड कॉर्नर पे प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक कर देना है, देन YouTube स्टूडियो पे क्लिक करना है, एकदम नीचे सेटिंग दिखेगी उस पे क्लिक कर देना है, अगेन चैनल पे क्लिक करना है और यहाँ राइट हैंड साइड में फीचर्स एलिजिबिलिटी का ऑप्शन शो होगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है। और जैसे कि देख सकते हो ऊपर का दो ऑप्शन ऑलरेडी इनेबल है, फर्स्ट वाला तो चैनल क्रिएट करते ही इनेबल हो जाता है, ये दूसरा ऑप्शन को मोबाइल से जब वेरीफाई करोगे तो इनेबल हो जाएगा, बाकी रहेगा ये तीसरे नंबर का एडवांस फीचर्स, तो इसको तुम्हारे सामने इनेबल करके दिखाने वाला हूँ, देखना। कार्यक्रम शुरू करने से पहले ये जान लो कि इसको इनेबल करे तो क्या होगा और ना करे तो क्या होगा। जब तुम इसको इनेबल करते हो मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सटर्नल लिंक पेस्ट कर सकते हो, कम्युनिटी पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, अगर कोई तुम्हारे वीडियो पे कमेंट कर रहा है तो उस कमेंट को पिन कर सकते हो, डेली के मल्टीपल वीडियो डाल सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं होगी एंड सो ऑन। और अगर इसको इनेबल नहीं करते हो तो ये सारा चीज तुम्हें नहीं मिलेगी। तो चलो आओ करते हैं इनेबल। इसको इनेबल करने का तीन तरीका होता है, पहला वीडियो वेरिफिकेशन जिसमें तुम्हें अपने कैमरे में देखना है और एक वीडियो शूट हो जाएगी और ऑटोमेटिक सबमिटेड हो जाएगी, और दूसरा है वैलिड आईडी जिसमें तुम्हें अपनी आईडी देनी पड़ती है लाइक पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और आईडी। बेसिकली तुम्हारे वैलिड आईडी से YouTube तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ एंड नेम चेक करता है कि इस आईडी से पहले कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेंस तो नहीं हुआ है ना। और तीसरा है चैनल हिस्ट्री, अगर तुम दो महीने अपने चैनल पे काम करते हो तो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। बस तुम्हें एक चीज ध्यान होना चाहिए, तुम्हारा वीडियो YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करता हो, रीयूज कंटेंट नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, तब जाके चैनल हिस्ट्री क्रिएट होगी और एडवांस फीचर्स इनेबल हो जाएगा। तो मैं वीडियो वेरिफिकेशन के थ्रू इनेबल करना चाहूंगा। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं मोबाइल की स्क्रीन पे और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने YouTube चैनल के एडवांस फीचर्स को कैसे इनेबल करोगे, वो भी वीडियो वेरिफिकेशन के द्वारा। तो सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में ओपन कर लेना है अपना YouTube चैनल, तो मैं यहां पे ओपन कर लिया अपना YouTube। अब यहां पे जो हमारे चैनल का लोगो दिख जाएगा मैं इस पर टैप कर लेता हूं, आप इस तरह से टैप कर लीजिएगा, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, अब यहां पे एक ऑप्शन दिख जाएगा योर वीडियोज का, यहां पे मैं इस पर टैप कर देता हूं, ठीक है, आप इस तरह से टैप कर लीजिएगा। तो यहां पे जो मेरा फर्स्ट वीडियो है ठीक उसके राइट साइड में थ्री डॉट का एक ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर मैं टैप कर देता हूं, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिख जाएगा एडिट का इस पर मैं टैप करता हूँ, आप इस तरह से कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे आपको, यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन जो भी कुछ चेंज करना चाहते हैं लिखना चाहते हैं आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो इसी में आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा रिलेटेड वीडियो का एक ऑप्शन, इस पर हम टाइप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अपने YouTube चैनल के एडवांस फीचर्स को इनेबल करना है वीडियो वेरिफिकेशन के द्वारा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं लिखा है वन टाइम वेरिफिकेशन नीडेड, मतलब यह जो है एडवांस फीचर्स को इनेबल करना बहुत जरूरी है, अगर आप इसको इनेबल नहीं करते हो तो आपका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। तो हम आज YouTube चैनल को अपने YouTube चैनल के एडवांस फीचर्स को वीडियो वेरिफिकेशन के द्वारा इनेबल करेंगे। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है तो देखिए यहाँ पर लिखा है यूज वीडियो वेरिफिकेशन, यूज योर वैलिड आईडी, बिल्ड चैनल हिस्ट्री। तो हम सबसे फर्स्ट वाला जो दिख रहा है इस पर हम अपने YouTube चैनल के एडवांस फीचर्स को वीडियो वेरिफिकेशन के द्वारा इनेबल करना चाहते हैं, तो हम इस पर टैप कर देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पर टैप करेंगे तो फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ सेकंड में, जैसा कि ओपन हो चुका है। तो अगर आपके पास समय होगा तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं बखूबी से, यहाँ पे उसका कुछ मतलब पॉलिसी दिया हुआ है। तो अब आपको करना क्या, जो यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है इसको टिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिया जाएगा नो थैंक करना है, तो हम आई एग्री पे टैप करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टिप फॉर योर वीडियो, तो मतलब आपको जो अपना वीडियो के द्वारा अपने YouTube चैनल के एडवांस फीचर्स को इनेबल करना है तो यहाँ पे इसको किस तरह से यूज करना है, यहाँ पे आपको सब हिंट दिया हुआ है, ठीक है। पहला होल्ड योर फोन एट आई लेवल, ठीक है, अपने फोन को अपने आँख के मतलब फेस के सामने रखना है। यूज लाइट डैट इज नॉट टू डिम आर टू ब्राइट, मतलब आपका जो लाइट है आप मतलब जहाँ भी उजाले में होंगे आपका उजाला एक तरीके से होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब थोड़ा डिम हो रहा है तो थोड़ा सा चटक हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मतलब मेक श्योर आइज नोज एंड माउथ आर विजुअल, नो सनग्लासेस, मैक्स मास्क आर हेड्स, मतलब अगर आप जब वीडियो वेरिफिकेशन कर रहे हो तो आपके फेस पे ना कोई चश्मा होना चाहिए, ना कोई टोपी होना चाहिए, ना कोई मास्क होना चाहिए, मतलब बिल्कुल मतलब क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत कुछ दिया है पढ़ सकते हैं, अब हमें करना क्या है नेक्स्ट पे टैप। तो अब देखिए यहाँ पे प्रिपेयरिंग करके आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखा है टैप स्टार्ट व्हेन यू आर रेडी, कीप योर फेस इन सेंटर और ऑफ द सर्कल। तो अब आपको करना क्या है इसको वेरीफाई करने के लिए, वीडियो वेरिफिकेशन वेरीफाई करने के लिए आपको करना क्या है, जैसा कि यहाँ पे जो स्टार्ट का बटन लिखा हुआ है इस पर टैप करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे इस तरह जाना है, फिर इस तरह से करके थोड़ा सा होल्ड करना है, फिर अब इस तरह से कर एरो दिखा रहा है तो हम इस तरह जाएंगे, ग्रीन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग चालू है, तो देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से हो गया है। अब हमें करना क्या है देखिए, अब लिखा हुआ आ गया है एडवांस फीचर, एडवांस YouTube फीचर्स। तो यहाँ पे अब लिखा है
क्लोज दिस स्क्रीन टू रिटर्न टू यूट्यूब। अब आपका जो है अपने यूट्यूब चैनल पे इसको बैक करके चले जाना है, ठीक है। तो इसको हम बैक करके चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर वीडियो वेरिफिकेशन गूगल, नाउ नीड टू रिव्यू योर वीडियो, दिस यूजुअली टेक्स अप टू 24 आवर्स। मतलब आपका ये 24 घंटे के अंदर आपका जो है वीडियो वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इस तरह से अपने यूट्यूब चैनल के एडवांस फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं वीडियो वेरिफिकेशन के द्वारा। तो इसको हम बैक करके अपने यूट्यूब चैनल पर वापस चले जाते हैं। तो